गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 9th और 10th के एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ मेजर लॉस इन वेट, इसमें आपका वेट लॉस होगा टैप वाटर में कि आपका सॉल्ट वाटर में? तो इसका आंसर है इन सॉल्ट वाटर बिकॉज ऑफ लॉस इन वेट अप थ्रस्ट और बियॉन्ड फोर्स। आपका बियॉन्ड फोर्स के कारण जिसका है वी पे जे, इसके कारण आप वेट लॉस होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट एयर में 5 N है और लिक्विड में 4.5 N है, तो उसका हमको बियॉन्ड फोर्स निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे बियॉन्ड फोर्स? तो उसका एक फार्मूला होता है कि इसका फार्मूला है वेट ऑफ एयर माइनस वेट ऑफ लिक्विड। तो देखेंगे 5 माइनस 4.5 इक्वल टू 0.5 N, जिसका वेट होगा बियॉन्ड फोर्स 0.5 N होगा। अ बॉडी फ्लोट्स इन अ लिक्विड, मतलब एक बॉडी है वो लिक्विड पे कब फ्लोट करेगी, मतलब वो कैसे तैरेगी? तो उसका एक दो रीज़न है इसके। पहला रीज़न है आपका व्हेन अ वेट ऑफ इज़ इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, मतलब जितना आपका बॉडी का वेट होगा उतना ही वो पानी हटाए। दूसरा रीज़न है ऑब्जेक्ट का डेंसिटी डेंसिटी के वाटर से कम हो, मतलब 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब से कम हो। फोर्थ क्वेश्चन है मास ऑन ए ऑब्जेक्ट इन इज 40 kg, मतलब एयर में उसका 40 kg मास है, तो उसका वाटर में कितना मास होगा? आपको बताना है कि कितना मास होगा उसका वाटर में, और एयर का आपको गिवन है। तो मास डज नॉट चेंज विद द बियॉन्ड फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, मतलब जब भी बियॉन्ड फोर्स लगता है वो उसका चेंज नहीं करता, मतलब रिमेन सेम 40 kg ही वो रहेगा। आपका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप टू वेरीफाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड टू हॉलो ट्यूब्स आर प्लेस्ड, आपको एंगल आई फाइंड करना है। आपको उतना 60 का दिया है और उतना निकालना है, तो आपका पूरा वो 90 का होता है, पूरा फुल आई पूरा आपका 90 का होता है और 60 गिवन है। तो 90 माइनस 60, बिकॉज वो राइट एंगल फॉर्म कर रहा है, तो 90 माइनस 60 30 आपका आंसर आ जाएगा। उसके सेकेंड पार्ट हम जल्दी ही चैनल पे डाल देंगे। अगर डल गया हो तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लें। लाइक शेयर सब्सक्राइब।